हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बस मैं अभी ना घर की सफाई कर रही हूँ और आज ना मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, बस झाड़ू पोछा ही सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर देती थी। तो अभी ना मैं ये सोफ़े का कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीकली सोफ़े का कवर ज़रूर वॉश करती हूँ। चेंज नहीं करना था, वॉश करना था। तो मैं इसको आज वॉश करूँगी, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली इसी पर बैठे रहते हैं, यहीं पर खाना भी खाते हैं। डाइनिंग टेबल तो बहुत ही कम यूज़ होती, बस तो वो शोपीस ही है घर में। तो बस इसको आज मैं धुलूँगी और ये ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, इस पर दाग भी लग गए थे खाने के। और बच्चे जहाँ होते ना वहाँ तो गंदा हो ही जाता है घर। और तो बस मैंने सोफ़े का कवर निकाल दिया है, इसकी थोड़ी सी डस्टिंग कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं स्पीकर को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत डस्ट पड़ी थी। और टीवी भी मैंने ऑन कर लिया है और अभी कुछ न्यूज़ वगैरह आ रहा है तो वही मैं देख रही हूँ। तो सुबह ना मैं भजन सुनती हूँ, नहीं तो फिर मैं न्यूज़ वगैरह लगा देती हूँ। तो भजन तो चल चुका है, मैंने थोड़ा बहुत सुन लिया है, अब मैं न्यूज़ देख रही हूँ। तो बस टीवी ऑन कर देती हूँ, इससे ना क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है, बोरियत भी फील नहीं होती है। नहीं तो फिर लगता है कि डेली वही काम, बस मन नहीं होता है फिर करने का। तो विहाना अभी ऊपर खेलने गया है छत पर अपने डैडा के साथ बॉल, तो मैं यहाँ पर तब तक डस्टिंग कर दे रही हूँ फटाफट से सब। और फ्रिज को भी मैंने काफ़ी दिन से हटा करके झाड़ू नहीं लगाई थी, तो उसको भी मैं हटा करके लगा दे रही हूँ झाड़ू। तो वीक में एक दो दिन इस तरह से साफ़ कर लो ना, तो घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है और एक ही दिन हमें सारी सफाई भी नहीं करनी पड़ती है। तो एक एक दिन ना मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ कि मुझे आज क्या सफाई करनी है, आज क्या सफाई करनी है, इस तरह से ना सारी चीज़ें भी साफ़ रहती हैं। और काम को ना एक टाइम लिमिट में करिए कि हमें इतने देर में करना है, इतने देर में ये काम ख़त्म कर देना है। तो इससे ना काम ईजिली भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, नहीं तो ना कब घंटों लग जाते हैं उस काम में पता भी नहीं चलता। तो मैं घड़ी देख देख के ही काम करती हूँ कि अब कितना बज रहा है, अब मुझे नहाने जाना है। तो अब ना और नहाने आने के बाद ना मैं यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात में ही कभी कभी कट करके रख देती हूँ, लेकिन मैंने रात में नहीं काटा था, तो अभी मैं काट रही हूँ और चेक भी करती जा रही हूँ कि कहीं गोभी में कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि गोभी में भी अक्सर कीड़े मिल जाते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल फ्रेश गोभी है, ये रात में ही लाए थे, तो मैंने कट कर लिया है, धो भी लिया है गर्म पानी से। पहले ना गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, इससे ना सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो पहले थोड़ी देर तक इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ये लाल हो जाएगा तब निकाल लेंगे। तो बस 5-10 मिनट हो गए थे, गोभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी लाल हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। और इसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया है। तो फिर से मैंने दोबारा तेल डाला, जीरा डाला, प्याज मिर्चा और ये सब डाल के ना फिर मैंने आलू भी डाल दिया, टमाटर। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, वही धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, हल्दी, नमक। और फिर इसमें गोभी भी मिला देंगे, थोड़ी देर तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि मसाला सब्जी सब अच्छे से भुन जाए। तो उधर ना मेरी सब्जी जो है बन रही है, अब मैं इधर पराठे बना ले रही हूँ। तो आज मैं आपको एक तरीका दिखाती हूँ कि एक ही पराठे में दो पराठे कैसे निकल आएंगे, मतलब एक ही मेहनत में आपकी दो रोटियाँ बन जाएंगी। तो हो सकता है आपको ये तरीका पता हो, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको आगे तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने दो लोई ले ली थी, मतलब दो आटे की छोटी छोटी लोई, उसमें मैंने ना तेल लगा लिया था, दोनों को तेल लगा करके चिपका लिया था। अब मैं इसे बेल ले रही हूँ और अभी देखिएगा कि इसमें दो रोटियाँ निकल आएंगी। अब बस आगे पीछे तेल लगा लेंगे और ये ना पतला पतला भी बनता है और बहुत सॉफ्ट भी रहता है खाने में, और आप इसे ठंडा भी खाएंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है ये। तो बस मैंने पराठा सेक लिया, अब ये देखिए, अब मैं इसको अलग अलग कर ले रही हूँ। तो ये देखिए दो पराठे मेरे निकल गए। तो इसका ना यही तरीका है कि दोनों लोई के बीच में आप तेल लगा लीजिए और फिर तेल लगा करके दोनों को चिपका करके फिर बेलना है।
तो इससे आपकी एक ही मेहनत में दो काम हो जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरी सब्जी भी बन गई है, आलू गोभी की रसेदार सब्जी। तो आप लोगों को तो पता ही है मैं मॉर्निंग में नाश्ते में ज़्यादातर रोटी सब्जी ही बनाती हूँ, डेली आप लोग देखते ही होंगे व्लॉग्स में। तो बस नाश्ता हो गया है, अब मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, सिंक मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सिंक मैंने दो दिन से नहीं वॉश किया था। अल्टरनेट डेज पर या दो दिन में साफ़ करते रहो ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि डेली सिंक भी साफ़ कर देना चाहिए बर्तन धोने के बाद, बट ना क्या होता है कि कभी कभी हम वैसे ही प्रॉपर रूटीन में नहीं कर पाते हैं, काम हो जाता है, कभी कभी आलस आ जाता है या दूसरे काम में बिज़ी हो जाते हैं। और ये सिंक स्ट्रेनर है तो मैं इसको अलग से सिंक में मैंने लगाया है, तो इससे ना कोई भी चीज़ सिंक में अंदर नहीं जाती, उसी में फंसी रहती है और उसका जो भी कूड़ा वगैरह है वो निकाल करके अलग पन्नी में या पेपर पर रख देते हैं। तो ये सिंक स्ट्रेनर ना मैंने अलग से मार्केट से लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी ना 2:15 हो रहे हैं और खाना पीना तो सब हो गया है, अभी हाँ जय सो रहा है और ये ना अभी आए नहीं है लंच करने। इनका कोई भरोसा नहीं रहता, कभी आते हैं कभी नहीं आते, नहीं तो फिर वहीं पर मीटिंग वगैरह होती तो वहीं पर लंच कर लेते हैं। और अभी ना मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, तो दिन में ना मुझे यही टाइम मिलता है जब मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, यही 2 से 5 या 2 से 4 जैसा भी हुआ, नहीं तो फिर विहान कभी कभी परेशान करने लगता है तो फिर नहीं कर पाते हैं। और इधर तो मौसम अच्छा हो रहा है, धूप भी निकल रही है अब और गर्मी भी नहीं है, बारिश भी उतनी नहीं हो रही, नहीं तो उधर बीच ना बहुत बारिश हो रही थी। और आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो। और कमेंट भी वही 3-4 लोगों के ही डेली आते हैं, पर मुझे खुशी होती है कि लोगों को मेरे ब्लॉग्स जो हैं अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो लोग लाइक करते हैं वो मुझे पता तो चल नहीं पाता कि कौन लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें नाम लिख के तो आता नहीं है। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तभी मुझे पता चल पाता है कि कौन मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जिनको मेरे ब्लॉग्स जो हैं अच्छे लग रहे हैं, जो डेली बेसिस पे देखते हैं। और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि और भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जो है भर भर के करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही ना हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएँ। और ये देखिए क्या हालत हो रखी है, सोफा है चाहे घर है ना, जितना भी ठीक कर लो क्लीन कर लो, जहाँ बच्चे होते ना वहाँ घर बिगड़ जरूर ही जाता है। और मेरा तो विहान को ज़्यादा ही शैतान है, वो कभी कुछ ठीक से नहीं रहने देता है, सब चीज़ फैली रहती ना तो उसे सही लगता है, लेकिन जब कोई चीज़ सही से रखी रहेगी तो वो उसको जरूर बिगाड़ेगा। खैर बच्चे तो ऐसे होते ही। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं कि नहीं, और आप लोग ब्लॉग्स में और क्या क्या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपने सजेशन दीजिए और कमेंट करके भी बताइए। तो फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।